हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस लाइफ साइकिल। फर्स्टली व्हाट इज़ द प्रोसेस लाइफ साइकिल? तो जो प्रोसेस लाइफ साइकिल होती है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है बिल्डिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर को, जो हमें अच्छी क्वालिटी को और बिल्कुल करेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रोसेस लाइफ साइकिल है उसका एम होता है कि ये हमें हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर दे जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। और नंबर थर्ड है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसका हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये लगभग कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो इस तरह से जो है प्रोसेस लाइफ साइकिल की हमें ज़रूरत पड़ती है, और यही जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल होता है कि कैसे जो है हम अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, क्या कितना टाइम लगेगा और किस टाइप की जो है कॉस्ट, फ्रेम स्ट्रक्चर, ये सब रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारी प्रोसेस लाइफ साइकिल होती है उसमें हमें डिटेल प्लान पता चल जाता है कि कैसे हमें अपने सॉफ्टवेयर को प्लान करना है, फिर बिल्ड करना और फिर उसे कैसे मेंटेन रखना है। प्रोसेस लाइफ साइकिल में हमारे पास काफ़ी सारे फेज़ होते हैं और हर एक फेज़ का अपना अपना रोल होता है। सो, अब हम ये सारा कुछ जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ प्रोसेस लाइफ साइकिल, जो हमारी प्रोसेस लाइफ साइकिल होते हैं उसके हमारे पास बेसिकली 7 फेज होते हैं। नंबर 1 होता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस, नंबर 2 है फिजिबिलिटी स्टडी, नंबर 3 है डिज़ाइन, नंबर 4 कोडिंग, देन टेस्टिंग, नंबर 6 हमारे पास है इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट, एंड नंबर 7 है मेंटेनेंस। अब हम इनको 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डिटेल में पढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको इस तरह की कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नंबर 1 फेज़ हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस लाइफ साइकिल में। इसमें जो हमारे टीम मेम्बर हैं वो चेक करेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिएंगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अपनी अपनी जो ओपिनियन है हर एक इंजीनियर हमें प्रोवाइड करेगा, प्लान करेंगे अच्छे से और फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब जो होगा वो रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर आएगा। इससे क्या है बेनिफिट रहता है कि हमें ऑलमोस्ट स्कोप पता चल जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस टाइप का होगा, कब तक तैयार होगा, लगभग कितनी कॉस्ट उसमें रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होगा, हम प्रोसेस को चेक करेंगे कि उसमें जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली है, किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे लिए, जो ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं इकोनॉमिकली कैसा रहेगा, कितनी हमें इकोनॉमिकली इसमें पे करना पड़ेगा, लीगल के लिए अच्छा है क्या, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेनिफिशियल है, कोई क्राइम बेस्ड तो नहीं है, ये इसमें जो है ऑपरेशनल फिजिबल है, टेक्निकली ये कैसा रहने वाला है, और शेड्यूल जब तक कि हमारे कस्टमर को ये चाहिए ये तब तक बन जाएगा और या ये उस टाइम पीरियड तक जो है काम कर पाएगा, ये सब जो है हम फिजिबिलिटी स्टडी में चेकआउट करेंगे। थर्ड फेज हमारे पास आएगी डिज़ाइन। इसमें क्या है, अच्छे से चेक करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें क्या किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के डिज़ाइन होते हैं, एक तो हाई लेवल डिज़ाइन, एक लो लेवल डिज़ाइन। नाउ नंबर 4th फेज इज कोडिंग। कोडिंग में क्या होगा, जो डेवलपर है वो स्टार्ट कर देगा राइट करना कोड को किसी भी लैंग्वेज में। हम अपना प्रोग्राम सी में बनाना चाहते हैं या फिर पाइथन में बनाना चाहते हैं, जावा में, जिस भी लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है सबसे लंबा फेज़ होता है क्योंकि इसमें पूरी की पूरी कोडिंग, हमारा जो सॉफ्टवेयर रन होने वाला है उसकी पूरी कोडिंग हमें बनानी पड़ती है, उसमें एरर भी आएंगी, उनको करेक्ट भी करना होता है। ये जो कोडिंग वाला फेज़ है सबसे लंबा फेज़ माना जाता है पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में। कोडिंग के बाद हमारे पास आता है टेस्टिंग। जब हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, उसकी प्रॉपर कोडिंग हो जाएगी, हम टेस्ट करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, वो क्या अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्या वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, ये सब कुछ हम टेस्ट करेंगे, वो प्रॉपरली चल भी रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं, हर एक चीज़ अच्छे से टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट। अगर हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ को भी पास कर जाता है, उसमें कोई ना एरर होती है ना बग होता है,
तो फाइनली हम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, या तो अपने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर हमें किसी कस्टमर को देना है तो उसके लिए हम उसे डिलीवर कर देंगे, डिप्लॉयमेंट कर देंगे। और इसमें जो है हम कस्टमर को बोलेंगे कि वो अच्छे से चेक कर सके कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। और लास्ट फेज़ हमारे पास आती है मेंटेनेंस। अब हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है कस्टमर तक पहुंचा दिया, ये तो नहीं कि पूरा काम ख़त्म हो गया। अब वो अगर उसमें कोई एरर आ रही है, हमारी अपनी वो है, हमें देखना होगा कि हमने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया वो कस्टमर को अच्छे से प्रॉपरली फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो हम उसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें एरर चेक करेंगे, अगर एरर आ रही है उसे ठीक करेंगे, अपग्रेड करेंगे उसका वर्जन और एनहेंस करेंगे। अगर उन्हें एक आधी चीज़ जो है एक्स्ट्रा चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, उसे भी हम अच्छे से फुलफ़िल करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। इस तरह से जो है मेंटेनेंस होगी। इस तरह से जो है हमारा पूरा लाइफ साइकिल प्रोसेस वर्क करता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, टाइम पीरियड में बना सकते हैं, कॉस्ट जितनी हमें हमारे कस्टमर पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। होप्स ऑफ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।